हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए ऐसे तीन शॉर्ट टर्म कोर्स की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराता है और वो आप लोगों के लिए एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी जो आप एक प्रोफेशनलिस्ट की तरह आगे अपनी लाइफ में वर्क कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो कोर्सेस हैं ये आप 12th क्लास पास करके ही कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तो भी आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। नाउ आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एडमिशन स्टार्ट करने वाली है, यानी जो रेगुलर फॉर्मेट के जो एडमिशन है या फिर जो नया सेशन है SOL के स्टूडेंट्स के लिए, NCVAP के लिए भी, उन लोगों के लिए भी स्टार्ट होने वाला है। सो आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे कोर्सेज की जिन्हें आप करने के बाद में अच्छी खासी सैलरी गेन कर सकते हैं और अच्छे खासे आप पैसे को भी अर्न कर सकते हैं अगर आप उसमें अपनी लाइफ को सेट कर लेते हैं। और इनकी जो कीमत है वो बहुत ही कम है, ये बिल्कुल अफोर्डेबल है। सो गाइस, नाउ यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल आप देख रहे हैं ये न्यूज़ 18 की तरफ से आप लोगों को शेयर किया गया है। और नाउ यहां पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा नीचे क्या है इसके अंदर, इस आर्टिकल में। यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्टली कि आप सभी को पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बहुत सारे कोर्स कराती है, लॉन्ग टर्म कोर्स भी होते हैं और शॉर्ट टर्म कोर्स भी होते हैं। तो उसी में से एक ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, जो तीन शॉर्ट टर्म कोर्स है। कौन कौन से तीन कोर्स हैं, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस का सबसे पहला कोर्स है, दूसरा कोर्स है आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी का, और थर्ड कोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट जिसे मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आप ये कर सकते हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स। सो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैवल एंड टूरिज्म का। हालांकि पेंडेमिक के दौरान में सबसे बुरी तरीके से अगर कोई फील्ड नाकामयाब रहा है, एक देश से दूसरे देश भी कोई नहीं जा रहा बिना किसी काम के, और ना ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इवन आप लोग घर से भी बाहर नहीं जा रहे, तो ट्रैवल एंड जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इस टाइम काफ़ी डाउन जा चुकी है। बट ये आने वाले टाइम में, क्योंकि जब बहुत दिनों बाद जब लोग निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुँचेगा। सो नाउ अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इन तीन कोर्स को कर सकते हैं, क्या उनकी फीस चार्ज रहेगी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप सबसे पहले 12th क्लास पास कर रखी है आपने किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, चाहे आप ह्यूमनिटीज़ बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने अपनी 12th क्लास पहले करी थी लेकिन अब आपने ग्रेजुएशन भी कर ली है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो भी आप कर सकते हो। इन कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 3 मंथ्स का है और यहाँ पर आप देख रहे हो पेंडेमिक का दौर है तो आप लोग बड़ी इजीली इसको पास भी कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है एग्ज़ाम्स जो है आप लोगों के ऑनलाइन होते हैं। नाउ यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा और बता दूँ इसके बारे में, तो हर एक कोर्स के अंदर कितनी सीट होगी और कैसे इनका एडमिशन आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पर हर एक जो कोर्स है उसके अंदर 40-40 सीट्स हैं और इनके एडमिशन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन होने का मतलब यह है कि इससे पहले अगर आपको एडमिशन लेना है इसमें तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा कॉमन एलिजिबिलिटी का, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए है चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, और उस टेस्ट को पास करने के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर अपना एनरोल करवा सकते हैं। इसके बाद में इसकी अगर हम फीस की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 2200 रुपये से 2500 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है और हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। सो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये तीन कोर्सेस जब भी इनके एनरोलमेंट स्टार्ट होंगे यानी फॉर्म फिल किए जाएंगे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, और साथ ही साथ ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।